रीवा में हवानित के दोषी का आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया है। बता दें कि विशेष न्यायालय के द्वारा पॉक्सो एक्ट के मामला में सजा सुनाई गई है, जहां दो आरोपियों का आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया। विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम पूजा अपना पंचे सभी का प्रणाम कही थे, शुरू कही थे बड़ी खबर से। बता दें कि जिला के विशेष न्यायालय के द्वारा पॉक्सो एक्ट के मामला में दो आरोपी का दोषी ठहरावा गया। न्यायाधीश कंचन गुप्ता की अदालत में दोनों आरोपी का आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। दोनों के खिलाफ अलग अलग थाना क्षेत्र में मामला दर्ज रहे। पहल मामला 10 फरवरी 2022 के बतावा जाते हैं, जहां नाबालिग के साथ हैवानियत की गई रही। दोपहर करीब 3 बजे लाल बहादुर ठाकुर के खेत में नाबालिग गोबर समेटे खातिर पहुंची रही, जहां शाम 4 बजे दुबहा गांव के गिरजा कोल नाबालिग का मिला और अपने साथ जरूरी काम के खातिर जबरदस्तन लेके चला गया। दूसरा मामला 20 अक्टूबर 2022 का प्रकाश मावा रहा, जहां पीड़िता अपने रिश्ता की भाभी के साथ काम करे खातिर रीवा पहुंची रही। काम के तलाश में छोटी दरगाह के पास बच्ची खड़ी रही और इतने में अपने आप का ठेकेदार बतावे वाला एक व्यक्ति बच्ची के साथ हैवानियत करी। बता दें कि पूरे मामले को लेकर दोनों आरोपी के आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। सजग रही, सतर्क रही, रखिए अपन और अपने परिवार के बहुत ख्याल। दे इजाजत, प्रणाम।